पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो मोस्ट यूज्ड गैजेट है ना, वो एक स्मार्टफोन ही है। यहाँ तक कि जितने लोगों तक एक मोबाइल फोन की पहुंच है ना, वहां तक आज तक कोई भी दूसरा गैजेट नहीं पहुंच पाया। और आज हम पता लगाएं कि दुनिया की टॉप 7 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज कौन है। और शुरू करने से पहले या फिर आपकी कमेंट करने से पहले मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, ये लिस्ट ये नहीं बता रही कि किस कंपनी का फोन बेस्ट है। ये लिस्ट इस तरीके से बनाई गई कि किस कंपनी का फोन ज्यादा बिकता है, मतलब कि मार्केट शेयर किस कंपनी का ज्यादा है। और टॉप 7 सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके नीचे की जितने भी ब्रांड्स और कंपनीज हैं उनका जो मार्केट शेयर है ना, वो 1% से भी कम है, इसलिए उन कंपनीज को भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो चलिए पता लगाते हैं नंबर 7 पे कौन है। तो आप लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि वो है मोटोरोला। और जो मोटोरोला का जो मार्केट शेयर है ग्लोबल मार्केट में, वो है सिर्फ 2%। अब मोटो अच्छे फोन तो निकाल ही रहा था, लेकिन जब से उसे लिनोवो ने टेक ओवर किया, तब लिनोवो ने मोटो ब्रांडिंग के अंदर कुछ ऐसे फोन को निकाले जिसके अंदर ना तो अच्छे फीचर्स थे और प्राइसिंग भी कुछ ज्यादा ही थी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इतने अच्छे फोन नहीं निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ अपने ब्रांड वैल्यू के कारण जो मोटोरोला के जो फोन है ना, वो काफी तेजी से बिक रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया में अगर बात करें तो जो मोटो के फोन है ना, वो अब ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में लोगों को मोटोरोला ब्रांड के बारे में पता है। और वहीं बात करें दूसरी कंट्रीज के बारे में, तो शायद से आप लोग जानते नहीं होगी कि मोटोरोला जो है ना, वो सबसे ज्यादा फोन ब्राजील जैसी कंट्री में बेच रही है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो अभी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही मोटो, और मोटो जो है ना, वो ऑलरेडी अपना जो मार्केट शेयर है ना, वो हर साल खोते हुए जा रही है। और इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 पे, क्योंकि वो है वीवो। और जो वीवो है ना, उसका जो मार्केट शेयर है वो है 6%। भले ही ये ग्लोबली में नंबर 6 हो, लेकिन इंडिया में ये नंबर 3 पे आते हैं। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में, क्योंकि अपने सेल्फी के ट्रेंड को भी ले आए थे, और ऊपर से जो पॉपअप कैमरा है उसका भी इंट्रोडक्शन उन्होंने ही किया था। यानी कि जो पहला फोन था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, वो भी वीवो ही लेकर आई थी। और जो वीवो एपेक्स फोन है, वो एक कॉन्सेप्ट फोन था, और उसे देख के हमें पता चला कि फ्यूचर के फोन कैसे होंगे। और देखा जाए तो इंडिया में वीवो की जो वी लाइनअप है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और आप शायद लोग मेरी बात का बिलीव भी नहीं करोगे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 25,000 से 30,000 की जो रेंज है ना, उसमें जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा फोन्स बेच रही है जो कंपनी, वो भी वीवो ही है। क्योंकि वीवो की जो वी लाइनअप है जिसकी प्राइसिंग लगभग 25,000 से 30,000 के बीच होती है, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इस लिस्ट में आते हैं लेटेस्ट वीवो V15 और V15 Pro। तो देखा जाए तो अपने सेल्फी सेंट्रिक फोन्स को देख के काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है वीवो, और वर्ल्ड वाइड भी काफी दूसरी कंट्रीज में भी पॉपुलर है, और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 6 पे है। और अब बात करते हैं नंबर 5 की, और यहाँ पे है Xiaomi। क्योंकि जो Xiaomi का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो है 7%, लेकिन देखा जाए तो वो इंडिया में नंबर 1 है। यहाँ तक कि जो चाइना है ना, वहाँ पे वो नंबर 1 नहीं हो पाए, लेकिन इंडिया में नंबर 1 हो पाए, क्योंकि उनके जो मेजोरिटी फोन है ना, वो आज की डेट में इंडिया में बिक रहे हैं। और इंडिया में जो अपने फोन बेच रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी रेडमी ब्रांडिंग के अंदर बेच रहे हैं। यहाँ तक कि लास्ट ईयर जब अपना फ्लैगशिप कलर ब्रांड पोको लाए, तो जो पोको F1 था ना, वो 20,000 के ऊपर सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना। तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है। लेकिन अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव हटा दें और दूसरी कंट्रीज पे जाए, तो यूरोप में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और यूरोप में भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, और मी ब्रांडिंग के अंदर फ्लैगशिप फोन्स भी काफी ज्यादा बेच रही है। लेकिन अभी तक काफी कंट्रीज में पहुंच नहीं पाई है, जैसे USA में नहीं पहुंच पाई है, और यही एक मेन रीजन है कि ये लोग अभी नंबर 5 पर है। लेकिन देखते हैं कि फ्यूचर में अगर ये ज्यादा एक्सपेंड करते तो हो सकता है इनकी रैंकिंग आने वाले समय में और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। और इसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं, वो है ओप्पो। अब ओप्पो जो है ना, वो काफी ज्यादा पुराना ब्रांड है, काफी लंबे समय से फोन्स बना रहा है, और काफी सारी कंट्रीज में पॉपुलर है। देखा जाए तो चाइना में ये काफी ज्यादा फोन्स बेचते हैं, और इसीलिए जो इनका जो मार्केट शेयर है वो है 8%। और इनके जो फोन्स है वो यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए से कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। यहाँ तक कि ओप्पो ने अभी अपना 5G ओप्पो रेनो फोन को भी लॉन्च किया था, जो कि यूरोप में लॉन्च होने वाले स्टार्टिंग के कुछ 5G फोन्स है ना, उनमें से था एक। और ओप्पो है ना, अपनी काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करती है, जिससे जो उसके फोन्स है ना, काफी ज्यादा पॉपुलर बने रहते हैं। जैसे ओप्पो रेनो के अंदर हम 10x ऑप्टिकल जूम की बात करें, या फिर सुपर वुक चार्जिंग की क्यों ना बात करें, ये सारी जो चीजें है ना, ये ओप्पो की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाती है, और इसलिए जो ओप्पो के फोन्स है ना, काफी ज्यादा बिकते हैं। यहाँ तक कि जो मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है ना, वो भी ओप्पो कई बार निकाल देती है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने अपना ओप्पो फाइंड एक्स निकाला था, जो कि पहला ऐसा फोन था जिसके अंदर मोटराइज्ड स्लाइडर कैमरा लगा हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं जो ओप्पो करती रहती है, और यही स्पेशलिटी बनती है ओप्पो की, और अपने सेल्फी सेंट्रिक और जो मार्केटिंग वगैरह करती है ना, इसीलिए वो नंबर 4 पर आ चुके हैं। और अब बात करते हैं नंबर 3 पे, जो कि आप में से काफी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कौन सी कंपनी है, तो वो है Huawei। एक्चुअली में Huawei के अंदर दो कंपनीज हो जाती है, एक तो Huawei खुद और एक Honor। और Huawei की अगर हम ओवरऑल बात करें, तो वो चाइना का जो सबसे पॉपुलर कंपनी है ना, वो Huawei ही है। और चाइना के अंदर जिसके सबसे ज्यादा फोन्स बिकते हैं ना, वो भी Huawei है। तो इसका मतलब ये कि वो इतने ज्यादा फोन्स बेच रहे हैं कि उसका जो मार्केट शेयर है वो है ग्लोबली 15%, और इसलिए वो दुनिया में काफी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और वहां पे भी काफी सारे फोन्स बेच रहे हैं। इंडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और स्पेशली बात करें इंडिया के
के अंदर। तो जो मेजोरिटी फोन जो सेल कर रहे हैं वो इंडिया में वो ऑनर ब्रांडिंग के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि ऑनर जो है वो एक यूथ सेंट्रिक कंपनी है, यानी कि वो फोकस करती है कम प्राइस वाले फोन में ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिकेशन देने के लिए। वही बात करें हुआवे की, तो वो एक प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी है, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है यूरोपियन और दूसरी कंट्रीज के ऊपर जहाँ पे वो हाई एंड स्पेसिफिकेशन और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दे, लेकिन उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करे। इसलिए जो हुआवे वो डायरेक्टली कम्पीट करते हैं एप्पल और सैमसंग से, लेकिन देखा जाए तो वो यूएस में बैन है और रिसेंट सिचुएशन से लगता नहीं कि हुआवे का क्या होने वाला है, और हुआवे की जो मार्केट शेयर है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या हुआवे अपनी मार्केट पोजीशन बनाए रख पाए या फिर बंद हो जाएगा, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। और इसके बाद नंबर टू पर आता है एप्पल, क्योंकि लास्ट ईयर जो एप्पल था वो नंबर थ्री पे चला गया था और इस साल आ गया वो नंबर टू पे वापस, क्योंकि उन्होंने अपने तीन फोन को लॉन्च कर दिया था, यानी कि आईफोन XR, XS और XS मैक्स। और इन तीनों ही फोन के जो प्राइसेस थे ना वो कुछ टाइम के बाद गिरा दिए थे नीचे, जिससे हुआ कि इनकी जो फोन की जो सेल्स है ना वो काफी ज्यादा बूस्ट कर गई और ओवरऑल जो मार्केट शेयर हो गया ना एप्पल का ग्लोबली वो हो गया है 17%। और इसके अंदर जो मेजोरिटी कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना वो हो रहा है पुराने आईफोन का, जैसे पुराना आईफोन 10 जो कि आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज में काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो इस तरीके से जो एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू और जो सेल्स है ना वो बनी हुई है। और आप सभी लोग तो जानते हो कि एप्पल का सिर्फ नाम चलता है और आईफोन अपना नाम के लिए खरीदे जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा मेन रीजन है जो एप्पल है वो सेकंड नंबर पे आती है स्मार्टफोन कंपनीज की इस लिस्ट में, क्योंकि इसका जो आईफोन है ना वो ज्यादा ही पॉपुलर है। और देखते हैं कि 2019 के जो आईफोन आएंगे वो एप्पल को किस डायरेक्शन में ले जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं हम नंबर वन कंपनी के बारे में, जो कि स्मार्टफोन मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा फोन बेचती है, तो वो है सैमसंग। और रिसेंटली सैमसंग के गैलेक्सी S10, S10e और S10 प्लस थे ना वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहे, और इंडिया में ऑनलाइन स्मार्टफोन मार्केट ग्रो कर रहा था, तो वो अपनी M सीरीज ले आए। और M सीरीज के फोन जो है ना वो पिछले कुछ महीनों के अंदर ही 2 मिलियन से ज्यादा यूनिट को सेल कर चुके हैं। वहीं उनकी गैलेक्सी A सीरीज भी है जो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, और उसको टारगेट किया गया प्रीमियम मिड रेंज के लिए, यानी कि आप देख ही सकते हैं कि गैलेक्सी A50 कितना अच्छा फोन था, काफी ज्यादा बिका। गैलेक्सी A80 आने वाला है जो कि रोटेटिंग कैमरा के साथ आएगा, तो ये कुछ भी कर रही है सैमसंग। इसी के साथ ही सैमसंग जो है ना वो दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने अपना 5G फोन निकाला था, जो कि था गैलेक्सी S10 5G, यहां तक कि दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन जो कि था गैलेक्सी फोल्ड, लेकिन उसके अंदर आगे चल के प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन देखा जाए तो जो सैमसंग है ना वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है और काफी तेजी से नए नए फोन निकाल रही है, और अपने ब्रांड वैल्यू के कारण और अपने ढेर सारे फोन निकालने के कारण वो नंबर वन पे बने हैं। देखते हैं आगे फ्यूचर में सैमसंग के फोन कैसे होते हैं और क्या वो अपनी फर्स्ट पोजीशन को बनाए रख पाते हैं या नहीं। तो ये थी लिस्ट दुनिया की टॉप 7 स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में। बाकी आप लोगों की फेवरेट मोबाइल कंपनी कौन सी, ये बात नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।